है दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वीवो के स्मार्टफोन में कस्टम कॉल रिकॉर्डिंग कैसे करना है। अगर आप किसी एक व्यक्ति का कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करना चाहते हैं तो यहां से आप कुछ सेटिंग करके कस्टम कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हैं। वो कैसे आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, मज़े की बात यह है कि इसके लिए आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अपने वीवो के स्मार्टफोन में कुछ सेटिंग करके इसको एनेबल कर सकते हैं और जो भी व्यक्ति का आप कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं वो आसानी से आप कर सकते हैं। तो चलिए गैस, अब मैं आपको उस सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, उस सेटिंग के बारे में बताने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना। यहाँ पर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलते रहेंगे। अपने वीवो के स्मार्टफोन में कस्टम कॉल रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको सेटिंग से ऐप ओपन कर लेना है। सेटिंग से ऐप ओपन करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ से आपको इस पेज को स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऐप्स एंड परमिशंस, तो इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ से आपको सिस्टम ऐप सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको दूसरा पेज मिल जाएगा। यहाँ से आपको फ़ोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिकॉर्ड सेटिंग्स, तो इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन है डू नॉट रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली। अगर आप कॉल रिकॉर्डिंग ऑफ रखना चाहते हैं तो पहले वाले ऑप्शन को चूज़ कीजिए। एंड सेकेंड वन, रिकॉर्ड ऑल कॉल्स ऑटोमेटिकली। अगर आप इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे तो सभी कॉल्स रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। दोस्तों, यहां से इस ऑप्शन को मत चूज़ कीजिए क्योंकि इससे आपका फ़ोन का स्टोरेज फुल हो जाएगा। अगर आप किसी एक व्यक्ति का कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करना चाहते हैं तो नीचे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है रिकॉर्ड कस्टम कॉल्स ऑटोमेटिकली, तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको कस्टम वाला ऑप्शन मिल जाएगा, तो उस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। ऊपर आपको प्लस वाला आइकॉन दिखाई दे रहा है, तो उस ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आपको उस कॉन्टैक्ट को चूज़ करना है जिस कॉन्टैक्ट का आप कॉल रिकॉर्डिंग ऑन रखना चाहते हैं। यहाँ से आप उन कॉन्टैक्ट्स को उतना ही चूज़ करना है जिनकी कॉल रिकॉर्डिंग आप करना चाहते हैं। तो इस तरह आप इस सेटिंग को कर अपने वीवो के स्मार्टफोन में कस्टम कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हैं और जो भी व्यक्ति का आप कॉल रिकॉर्डिंग सेव रखना चाहते हैं उस व्यक्ति का कॉल रिकॉर्डिंग उतना ही सेव होगा। तो इस तरह आप इस सेटिंग को ऑन कर कस्टम कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।